हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज एक छोटा सा ट्रिक देने वाला हूँ जो सबके लिए काम आएगा, जिसको नहीं पता, और जिन्हें पता है वो तो जानते ही हैं। खैर, वो वीडियो को ना देखे थोड़ा सा देखने के बाद। तो आज का टॉपिक है गीगाबाइट के ऊपर, गीगाबाइट 110 के ऊपर, ठीक है, GH110MS2। तो इस बोर्ड में एक प्रॉब्लम होता है, जो हालांकि मैक्सिमम बोर्ड में सेम प्रॉब्लम ही पाया जाता है। अभी के जो जितने भी बोर्ड मेरे पास आया, सब एक ही प्रॉब्लम आते हैं मैक्सिमम। ये दो प्रॉब्लम आते हैं, एक रीस्टार्ट प्रॉब्लम आता है और एक प्रॉब्लम आता है बोर्ड चलता है लेकिन डिस्प्ले नहीं आता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर ट्रिक जो होगा आज का, वो ट्रिक से एक ही छत पे काम करेगा। अगर आपका ये बोर्ड, आपके पास अगर ये बोर्ड आया कभी भी रिपेयरिंग के लिए, इस मॉडल को ठीक से देखिए। इसका रिविजन 1.0 है, 2.0 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं। तो अगर इस कंडीशन में अगर बोर्ड आए, बोर्ड चल रहा है और सीपीयू प्रोसेसर अगर हीट नहीं हो रहा है और डिस्प्ले आउट नहीं हो रहा है, प्रोसेसर हीट नहीं हो रहा है, नॉर्मल, अगर प्रोसेसर का हीटिंग नॉर्मल है, एकदम थोड़ा सा हीट हो रहा है लेकिन हीट नहीं हो रहा है, जितना होना चाहिए उतना हीट हो नहीं रहा है, तो इस बोर्ड पे आप एक चीज़ अप्लाई कर सकते हो। अगर सीपीयू हीट नहीं हुआ तो, अगर सीपीयू हीट हो रहा है फिर भी डिस्प्ले नहीं है तो कुछ रीज़न कुछ और है, ठीक है। अगर बोर्ड चल रहा है, सीपीयू हीट नहीं हो रहा है, तो फिर एक ही ट्रिक काम करेगा और 100% काम करेगा, ठीक है। मैं दिखा रहा हूँ, अभी साथ में रहिए। तो इस बोर्ड को मैं पहले दिखाता हूँ चला के, लाइन दे दिया, एक डिबग कर लेता हूँ, इंसर्ट कर दिया। अब देख सकते हो यहाँ पर एक फैन लगाता हूँ, ठीक है, ताकि समझ सको कि बोर्ड चल रहा है। तो अब मैं बोर्ड को चला रहा हूँ, देखो मैंने पावर दिया और यहाँ पर रेडी ग्लो कर रहा है। अब जब मैं बोर्ड को स्विचिंग करूँगा, लो स्विचिंग कर दिया, अब देखो 00 कोड है, ठीक है, बोर्ड चल रहा है, फैन घूम रहा है, आप देख सकते हो बिंदास चल रहा है लेकिन 00 कोड है। अगर फैन में खोल देता हूँ, इसका सीपीयू जो है थोड़ा सा भी हीट नहीं हो रहा, ठीक है, एकदम हीट नहीं हो रहा है, नॉर्मल है। आप चाहो तो यहाँ पर एक मिनट पहले चला कर देख लेना कि सीपीयू हीट हो रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर सीपीयू हीट नहीं हो रहा है तो ये ट्रिक काम करेगा, मैं फिर से बता रहा हूँ। अदरवाइज सीपीयू अगर हीट हो रहा है तो कुछ और रीज़न है, लेकिन ये वीडियो सिर्फ ट्रिक के लिए है, इसलिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो अभी भी मैं एक बार रिस्टार्ट भी करता हूँ, एक बार फिर भी मैं दिखाता हूँ, इसे ऑफ करता हूँ डायरेक्टली स्विचिंग करके, ऑफ हो गया, फिर से मैं ऑन कर रहा हूँ, 00 कोड है, ठीक है, इसमें कोई डिस्प्ले नहीं है क्योंकि 00 कोड आ रहा है, कोड कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, तो इसका सीपीयू हीट नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसका जो PWM IC है वो इनेबल नहीं हो रहा है। तो ये एक सिग्नल के वजह से इनेबल होता है, एक MOSFET के थ्रू, वो MOSFET ख़राब होने से ये होता है। तो मैं दिखाता हूँ, तो मैं बोर्ड को ऑफ कर देता हूँ पहले, ये आज का लास्ट काम है, रात बहुत हो चुका है, अभी 2 बज चुका है, तो सोचा एक वीडियो बना दूँ, शॉर्ट वीडियो। तो ये है वो MOSFET, ठीक है, ये K72 करके है, चाहे तो आप sminual.com में देख सकते हो, सॉरी। ये MOSFET अगर खराब हुआ, लीकेज है, तो आपका बोर्ड में डिस्प्ले नहीं आएगा। और ये MOSFET कहाँ रहता है मैं दिखाऊं, ये MOSFET रहता है, देख सकते हो, ठीक से दिखाऊं मैं, ये वाला, ये जो है ये वाला कोर IC के लेफ्ट साइड में, ठीक है, ये वाला MOSFET,
ये मॉस्फेट अगर खराब हो जाए तो फिर ये प्रॉब्लम आपको फेसिंग करना पड़ेगा, डिस्प्ले नहीं आएगा, बोर्ड चलेगा, सीपीयू हीट नहीं होगा, ठीक है। तो आप चाहो तो उस मॉस्फेट को यहाँ पर चेंज कर सकते हो, एक नया लगा सकते हो। अगर आपके पास नहीं है, मिल नहीं रहा है, तो आप जम्पर कर सकते हो, ठीक है। तो बात यह है, इसका जो गेट है यहाँ पर 5 वोल्ट आ रहा है, सॉरी 12 वोल्ट आ रहा है, लेकिन मॉस्फेट टिगन नहीं हो रहा है। जो यहाँ पर 5 वोल्ट सोर्स पे आना चाहिए, वो सोर्स पे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप ड्रेन और सोर्स को एक साथ जम्पर कर देंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो मैं अभी जम्पर कर रहा हूँ, साथ में रहो, मेरा आयरन हीट हो चुका है, मैं अभी जम्पर कर रहा हूँ, ठीक है। मैं दिखा दूंगा जम्पर करने के बाद कहाँ पे मैंने जम्पर किया। तो एक ऑयल ले लेता हूँ छोटा सा, और इसको मैं जम्पर कर रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअली ये दिखाने में बहुत प्रॉब्लम होता है, अगर दिखा दिखा के काम करना पड़ता है, इसीलिए बहुत दिक्कत आ जाता है। ठीक है, मैं जम्पर कर लेता हूँ, साथ में रहिए, मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। बारिश हो रहा है अभी बाहर, बहुत तेज बारिश हो रहा है। मैं अभी टेम्पोरेरी कर रहा हूँ दिखाने के लिए, बाद में मैं अच्छे से कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने इसका ड्रेन और सोर्स पे जम्पर कर दिया, ठीक है, अब देख सकते हो इजीली। फिर भी मैं एक बार दिखा रहा हूँ, मैंने यहाँ से यहाँ तक जम्पर किया, ठीक है, दिख रहा है आपको, यहाँ से यहाँ तक। और ये गेट को मैंने छोड़ दिया जो 12 वोल्ट इनपुट हो रहा है, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसका स्टेटस क्या है, चलो चलाते हैं एक बार। और ये जेन्युइन ट्रिक है, 100% काम आएगा आप लोगों को। फिर भी कुछ कुछ लोग है डिसलाइक करके चला जाता है, पता नहीं क्यों, वो इंजीनियर है या फिर क्या है, पता नहीं चलता। कोई बात नहीं, चलो पावर देते हैं। पावर दे दिया, डिबग कार्ड में लाइन आ चुका है, आप देख सकते हो। अब मैं स्विचिंग कर रहा हूँ, ठीक है, एक सेकेंड, जम्पर ठीक से हुआ नहीं शायद मेरे ख्याल से। एक सेकेंड, जम्पर हुआ नहीं, मुझे ठीक से फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है, मैं फिक्स कर रहा हूँ ठीक से। इसीलिए मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, क्योंकि इस टाइम में फोन रख के ये दिखा के सिखा के वीडियो बनाने से बहुत प्रॉब्लम होता है। ठीक है, लाइन साथ में रहिए, मैं ठीक से जम्पर कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा ट्विजर किधर गया, ट्विजर किधर गया भाई, नहीं मिल रहा, चलो दूसरे से काम चला लेता हूँ। अभी एक वायर ले लेता हूँ, वायर से करता हूँ, ठीक है, साफ कर लिए।
और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना अगर वीडियो अच्छा लगे तो, ये वीडियो अच्छा लगेगा आप लोगों को। आप चाहो तो इसे चेंज कर सकते हो, ठीक है, चेंज करने से भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं है तो फिर जंपर कर सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन चेंज करना ही बेहतर होगा क्योंकि जंपर करने से देखने में अच्छा नहीं लगता। अगर आप जंपर वायर से करोगे तो ठीक है, मैं इसे बाद में जंपर वायर से जंपर कर दूंगा या फिर एक K72 लगा दूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो अभी देखते हैं एक बार क्या हुआ। चलो चलाते हैं। चलो कोडिंग आ गया बोर्ड में, ठीक है। अब देख सकते हो मैंने अच्छे से जंपर कर दिया, फैन भी लगा देता हूँ तो इजी बात है, आप भी कर सकते हो। चलो डिस्प्ले भी आ चुका है, फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूँ। और ये लास्ट काम था इसीलिए वीडियो बनाया, और ये वीडियो आज मैं अपलोड नहीं करूँगा क्योंकि अभी 2 बज चुका है, रात को 2:10 हो चुका है। अभी अपलोड करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, 3-4 बज जाएगा, इसीलिए कल सुबह करूँगा, ठीक है। तो मैंने मॉनिटर को लगा दिया, अब डिस्प्ले अभी भी नहीं आया मॉनिटर पे, एक बार रिस्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मैं रिस्टार्ट कर लेता हूँ एक बार, आपको दिख रहा है ना, हाँ रिस्टार्ट कर दूँ कहाँ गया इसका, एक बार चलो रिस्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब इसका डिस्प्ले आ चुका है, देख सकते हो, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से चेंज करना ही बेहतर होगा क्योंकि देखने में अच्छा लगता है और जंपर करने से देखने में बुरा लगता है और कस्टमर को पता चल जाएगा कि यहाँ पर काम हुआ है। फिर भी मैं और एक बार रिस्टार्ट करता हूँ। चलो और एक बार रिस्टार्ट कर दिया, डिस्प्ले चला गया और फिर से आ जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, आ गया, इसका बायोस हैज बीन रिसेट दिखा रहा है, कोई बात नहीं। तो ट्रिक कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक तो एक बनता है। तो आज के लिए बस इतना ही है, और ये जेन्युइन वीडियो है, ठीक है। तो प्लीज़ अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक मत करना, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, लव यू ऑल, वंदे मातरम।